यहाँ पे Xiaomi की ग्लोबल टीम HyperOS 2 अपडेट के साथ यहाँ पे सर्कल टू सर्च का फीचर मोर Xiaomi डिवाइसेस में यहाँ पे ऑफिशियली पुश करने वाली है। जैसा कि यहाँ पे Xiaomi ने Xiaomi 14T सीरीज के लिए उस वाले फीचर को आउट ऑफ द बॉक्स HyperOS के साथ ही यहाँ पे रोल आउट कर दिया है, लेकिन बाकी के डिवाइसेज जैसे कि Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra एंड अदर मिड रेंज फ्लैगशिप डिवाइसेस इंक्लूडिंग। यहाँ पे हमने ये सोचा था कि जो ये सर्कल टू सर्च का फीचर है ये केवल ग्लोबल की रोम्स में ही हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल की रोम्स में आपको गूगल का जेमिनी एआई देखने के लिए मिलेगा, ना कि Xiaomi का एआई। Xiaomi का एआई केवल चाइना की रोम्स में ही पुश किया गया है, जिसको यहाँ पे MI AI कहा जाता था। अब इसको अपडेट करके यहाँ पे इसको और भी एडवांस यहाँ पे बना दिया गया है Xiaomi हाइपर AI के नाम से। इसमें आपको कुछ कॉमन फीचर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं कि आपको इसमें कौन कौन से फीचर्स यहां पे देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे Xiaomi का जो Xiaomi हाइपर AI है, इसको टर्न ऑन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से पावर बटन पे होल्ड करना है। पावर बटन पे होल्ड करने पे आपको सबसे पहले तो कुछ एनिमेशंस देखने के लिए मिलेगी, जो यहाँ पे ऑफिशियल एनिमेशन है Xiaomi हाइपर AI की, और इसी के साथ आपको इसमें कुछ फीचर्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको AI का आइकन मिलेगा, सेकंड ऑप्शन में आपको गैलरी का आइकन देखने के लिए मिलेगा, और थर्ड ऑप्शन में आपको ऑफिशियल कीबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली सर्कल टू सर्च को एनेबल करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन पर यहाँ से टैप करना है, और फर्स्ट ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिलेगी, और उसके बाद आपको सिंपली किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी फ़ोटो, किसी भी क्लॉक स्टाइल जो भी आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है उसको सिंपली इस तरीके से सर्कल कर लेना है। सर्कल करने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्कल टू सर्च को अनेबल करना स्टार्ट कर देगा, और आप चेकआउट कर सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पर ये मैंशन कर दे कि ये सिक्योरिटी का एप्लीकेशन है। और इसी के साथ आप इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैं इसको फिर से टर्न ऑन करता हूँ। टर्न ऑन करने के बाद मैंने सिंपली इसको इस तरीके से कर लिया, और अब मैं सिंपली इस वाले विजेट के ऊपर सर्कल टू सर्च करता हूँ। सर्कल टू सर्च करने के बाद सिंपली इसको हाइपर AI में चेकआउट करा लेता हूँ, तो उसने मेरा ये वाला फॉन्ट जो इसमें अवेलेबल था इसको यहाँ पे कैप्चर कर लिया है, और इसी के साथ इसको फिर से एनेबल करेंगे। और अब के बाद मैं इसको वॉलपेपर पे चेकआउट कराता हूँ। वॉलपेपर पे ले जाने के बाद यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि इसे मेरे वॉलपेपर को यहाँ पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया, और अगर ये वाला वॉलपेपर इसके MI AI के सिस्टम में अवेलेबल होगा तो ये ऑटोमेटिकली सर्च करना स्टार्ट कर देगा। अभी के लिए ये वाला फीचर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि ये वाला केवल यहाँ पे अभी केवल बेटा में चल रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स इंक्लूडिंग मी यहाँ पे बेटा टेस्टिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि केवल इसके लिए चाइना के यूजर्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे चाइना के यूजर्स ही इस वाले फीचर को बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में जब ये स्टेबल में पुश होगा हम भी इसको यूज़ कर सकेंगे। काइंडली वेट फॉर दी HyperOS 2 अपडेट। HyperOS 2 अपडेट के साथ आपको सर्कल टू सर्च का फीचर HyperAI में चाइना रोम्स में भी देखने के लिए मिलेगा, जिसकी एनिमेशन, जिसकी फास्टिंग स्पीड यहाँ पे टोटली इम्प्रूव होगी कंपेरिजन टू ग्लोबल की रूम्स। आर यू एक्साइटेड फॉर Xiaomi हाइपर AI सर्कल टू सर्च फीचर? कमेंट नाउ एंड सब्सक्राइब नाउ।